जो भी ये सुनता है हैरान हुआ जाता है, मेरा ये मुल्क अब सुनसान हुआ जाता है। नफरत की सियासत कुछ ऐसे चल पड़ी, हर शख्स हिंदू और मुसलमान हुआ जाता है। यहां पर नेट पर लगने के बाद बाल अंदर ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, मैं ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहो भाई। और मेरा तो मशवरा यह है कि थोड़ी सी कम पिया करो, वैसे तो शाम को पी सुबह उतर जाएगी, और एक बार बापू आसाराम के हाथ से पी ले जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। बहुत बढ़िया, स्मैश किया गया यहां पर, और कोई बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। दूसरा अंक बनाया, पहला सेट बड़े अंतर से हार गई थी टीम सोंटा की। बहुत ही बढ़िया, सोंटा गांव हमारे इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, छोटी से काम नहीं चलता उनका। ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता पहले अभी इसी साल हुई थी, आठ टीमों के बीच लीग सीरीज की, और देश की जानी मानी आठ टीमों के बीच दो दिनों तक संघर्ष चलता रहा लगातार, और उम्मीद है कि 2023 में फिर उसी तरह का घमासान होने की पूरी पूरी संभावना है। पर सोंटा वॉलीबॉल के लिए समर्पित गांव होने के बावजूद सोंटा की टीम में अभी ये चार खिलाड़ी ऐसे हैं जो युवा हैं अभी, और वो पूरी तरह से सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे, जो परिस्थितियों का सामना ढंग से नहीं कर पा रहे। बहुत बढ़िया भाई, देख लियो ने, चेक कर लियो कभी ब्लड प्रेशर हाई ना हो रहा हो, कहीं दौलत कहीं शोहरत कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में एक मजदूर की मुस्कान रख देना। बहुत पावन, बहुत शीतल, बहुत निर्मल है ये धरती, मेरी हर आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये पंचकुला में हनीप्रीत से मिल के आए थे तो उन्होंने जो इन्हें ताबीज दिया था उसका असर आज तक इनके अंदर है। भाई थोड़ा सा असर दिखाना पड़ेगा, सोंटा बे फिलहाल इनके बीच में रवि तो है नहीं, तो उसकी अनुपस्थिति में सोंटा की टीम को थोड़ी सी लहर थोड़ी सी तरंग उस तरह की दिखानी पड़ेगी, सोंटा जिस काम के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा असर तो दिखा है, सोंटा के समर्थन में आधा पुरवालियां तो आ गया, आधा आना बाकी है भी। बहुत बढ़िया, देखो दिल में कितनी चोट लगी इनके, सोंटा का और इनका लैला मजनू वाला काम है, चोट लगती है लैला को और मजनू के असर होता है।
भाई अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हैं और ये खुशकिस्मत हैं और मेरी तरफ से भी इनकी शुभकामनाएं कि इन्होंने समय का पालन करने का इरादा कर लिया। दाहा और सरोहा का दोनों टीमें तैयार रहे और दाहा और सरोहा का मैच जैसे ही खत्म होने को हो फिर धीराहेड़ी वर्सेस नितिन मौड़ दोनों टीमें तैयार रहे। बढ़िया स्मैश किया शाहबाज ने। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू ना मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। ए लिखने वालों तुमसे मेरी इतनी गुजारिश है कभी लिखना मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। हाँ ये एकता की हो रही ना, मैं नफरत की बताऊं, समझ में नहीं आई बात। बाई स्कोर है 14-7 पूरे 50% का लोस है और सोंटा की टीम के ऊपर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये 15वां भी हो गया, यानी पहली टीम होने का गौरव मिल सकता है मदौड़ की टीम को। बहुत ही बढ़िया, अभी आवश्यकता पड़ने पर टीम आगे और ज्यादा मजबूत होगी। वो तो उन्होंने एक दो खिलाड़ियों को विश्राम दिया हुआ है, भी अभी अर्जुन भी बाहर बैठा है। बहुत बढ़िया भाई, ये पुरबाल्यान की शक्ति है भाई जिसका लाभ मिला है। सिख हो हिंदू हो मुस्लिम हो या ईसाई हो, अब शर्मिंदा ये तिरंगा नहीं होने देंगे। आओ वादा करो आज मिलजुल कर यहां, अब वतन में कभी दंगा नहीं होने देंगे। लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई भाई और अब जीत के और भी ज्यादा करीब हो गई। अब अगले मैच की दोनों टीमें एकदम एक्टिव हैं, दाहा और सरोहा क्लब पुरमाफी। बहुत ही बढ़िया कोशिश की गई भाई, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, तिरंगा डालकर मुझ पे बस एक एहसान कर देना, मरू सरहद पे जाके तो मेरी हालत तो कुछ ऐसी, मेरे कफन के हर कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। एक एक करके
अब भी हो सकता है लाइन टू लाइन टू और इसी के साथ भाई यहाँ पर अभी ये बैकफुट पर है 23-11 हो गया स्कोर और इससे पता लगता है कि किसी भी समय अब खुशी की खबर मंदोड़ की तरफ से आ सकती है। बहुत बढ़िया भाई और खुशखबरी तो यही है भाई कि जिसने सीता से शादी की उसे राम कहा जाता है और जिसने रुक्मणी से की उसे श्याम कहा जाता है और जिसने धोखे से की उसे गुरमीत राम रहीम और जिसका पता नहीं कितनी उसे उसे बापू आसाराम कहा जाता है। ये मैच पॉइंट है, सेट पॉइंट तो पहले सेट में था, इसमें मैच पॉइंट है। बहुत बढ़िया, ये भी इंटरनेशनल कोच है भाई।